लेक्चर इज अबाउट कोड 386 स्टडी स्किल्स. टुडे वी आर गोइंग टू हैव इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी स्किल एज अ सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टडी स्किल्स, वन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड सम प्रैक्टिकल ट्रिक्स फॉर डेली स्टडीज. हम इस फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्टडी स्किल क्या है, ये सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर में क्यों पढ़ाया जा रहा है और इसके फ़ायदे क्या हैं. दूसरा, हम स्टडी स्किल का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको देखेंगे इस लेक्चर में. उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है. उसके बाद हम प्रैक्टिकल ट्रिक्स कुछ यूज़ करेंगे और कुछ आपको सिखाएंगे ऐसे प्रैक्टिकल ट्रिक्स जिसके ज़रिए से आप अपनी डेली स्टडीज़ को बेहतर बना सकते हैं. अब देखते हैं कि स्टडी स्किल क्या है. स्टडी स्किल का मतलब है स्टडी मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. स्टडी स्किल आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी पढ़ाई और ज़्यादा मौसर तरीके से और बेहतर तरीके से करें. ये आपको हेल्प करेगा कि आप उन स्टडीज़ के वो रिवायती तरीके जिनसे आप तक पढ़ते आए हैं उनसे निकलें और एक बेहतर तरीके की तरफ आएँ. अच्छा, अब स्टडी स्किल के फंक्शंस क्या हैं. स्टडी स्किल आपको हेल्प करेगा मौसर तरीके से पढ़ने में और सबसे मेन जो एक स्टूडेंट के लिए है कि गुड मार्क्स गेन करने में. आप जब इन तरीक़ों से जो आपको इस कोर्स में पढ़ाए जाएंगे अगर आप उन तरीक़ों से स्टडीज़ करेंगे तो आप लेस एफर्ट के साथ ज़्यादा नंबर ले सकेंगे. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाते. क्यों? क्योंकि वो सारी बुक्स के सारी चीज़ों को फुली मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं और इंसान का दिमाग लिमिटेड चीज़ों तक ही महदूद है. वो उन सारी चीज़ों को वर्ड बाय वर्ड मेमोराइज नहीं रख सकता. अगर आप एक दफ़ा कर भी लें तो जब पेपर से एक दिन पहले तो आप उन सारे कोर्सेज को रिवाइज नहीं कर सकते. इसलिए आपको इस कोर्स के ज़रिए से ये बताया जाएगा कि आप इस स्मार्टली स्टडी कर सकें. आप जब ये ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो आप गुड मार्क्स ले सकेंगे. कैसे आप गुड मार्क्स गेन करेंगे? प्लानिंग करेंगे, स्टडी शेड्यूल. आप अपनी स्टडी का शेड्यूल बनाएंगे. हर चीज़ वो जो एक शेड्यूल के मुताबिक होती है उसके ज़्यादा अच्छे नतीजे होते हैं. दूसरा, आप कैसे गुड मार्क्स लेंगे? मैनेजिंग टाइम एफिशिएंटली. आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे. आप अपने टाइम को देखेंगे, उसको पर सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे. यही आपको इस कोर्स में बताया जाएगा. और गुड मार्क्स लेने का क्या तरीका होगा कि इम्प्रूविंग रीडिंग, आपकी पढ़ाई को, आपकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जाएगा. ये 3 गुड मार्क्स लेने के ट्रिक्स भी हैं जिसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप गुड मार्क्स लेंगे. स्टडी स्किल आपको सिखाएगा कि आप नोट्स कैसे बना सकते हैं अपने. उसके बाद आप किसी भी ट्यूटोरियल में, किसी भी डिस्कशन में या कोई भी लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको ये सिखाया जाएगा कि जब आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से कैसे सुन सकते हैं, उस लेक्चर से आप नोट्स कैसे बना सकते हैं. उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि आप किस तरीके से पूरे कंटेंट को, पूरी बुक को छोड़कर आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें और उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें. क्योंकि फुल कंटेंट याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको स्मार्टली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ज़रिए से याद करना सिखाया जाएगा. उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, जब आप रटलाइजेशन छोड़ देंगे, आप स्टडी के तरीक़ों को जान जाएंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकें. कैसे? कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने स्टाइल में बात कर सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकें.